कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने भाजपा में शामिल होने की खबर का किया खंडन। मध्य प्रदेश में सुबासरा विधानसभा के विधायक हरदीप सिंह डंग की कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी में शामिल होने की खबर वायरल हो रही थी। इस खबर का खंडन करते हुए हरदीप सिंह ने बताया कि मैं अपनी पार्टी से नाखुश होकर भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। ये बात सोशल मीडिया पर आ रही थी, ये सरासर गलत है। मैं कांग्रेस का नेता हूं और कांग्रेस पार्टी का ही रहूंगा। उन्होंने मंदसौर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि वह पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी से कुछ नाराजगी थी जिसे लेकर पार्टी के बड़े नेताओं को अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा, मेरा मतभेद हो सकता है मगर मनभेद नहीं हो सकता। मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगा। विगत दिनों में सोशल मीडिया में या कई मीडिया में जो एक बाजार गर्म था कि हरदीप सिंह डंग दूसरे दल में जाने की तैयारी है जा रहे हैं, आज उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता है। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में और कांग्रेस में रहूंगा और ना तो किसी प्रकार की कोई मेरे द्वारा कोई बात बाजार में है। परिवार में कुछ बातें हुई थी पर उसको बढ़ा चढ़ाकर कहीं ना कहीं पेश किया गया और आज उसी के लिए, उसके खात्मे के लिए आज यहाँ पर प्रेस वार्ता। हमारे यहाँ पर कांग्रेस लोकसभा में जीते और केंद्र में कांग्रेस सरकार बने, इसी के लिए यहाँ पर बैठ कर आज चर्चा की। आपकी खुशी छलक छलक के बाहर आ रही है, तो क्या खुशी की वजह क्या, हमें भी बताइए। खुशी है कि आज मैं पत्रकार बंधुओं के सामने उनके दर्शन करने का मौका मिला और सही बात मेरी वहां तक पहुंच गई। और नहीं, पहले 6 सालों से मिलते रहे, ऐसी खुशी कभी देखी नहीं। नहीं तो पहले आपने मेरी तरफ ध्यान से देखा। अच्छा, आज निकाल जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह पहले भी देखा था, अभी भी देखा जी। क्या नाराजगी थी, क्या बात है कमलनाथ जी? कोई नाराजगी नहीं थी, मन में कार्यकर्ताओं के लिए और क्षेत्र के जो विकास की बातें मेरे मन में थी, उन्होंने मेरी बात सुनी है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। इसलिए न तो पहले कोई जाने की बात थी और आज भी जाऊँ हूँ, कांग्रेस में था हूँ और रहूँ। जो ये बातें चल रही इसको समाप्त करने के लिए प्रेस वार्ता रखी।